एवरीवन, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है उपासना। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि ड्राई स्किन में रिंकल्स क्यों आ जाते हैं, जल्दी रिंकल्स क्यों आ जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि 25 प्लस के बाद किसी की स्किन सिकुड़ी सिकुड़ी सी लगती है, रिंकल्स जैसे आ जाते हैं। कभी कभी 30 में आ जाते हैं, कभी कभी इससे भी जल्दी आ जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है आखिर? मैंने खुद ये चीज खुद के ऊपर देखा है, तो मैं आज उसी उन टॉपिक्स के बारे में ही बात करने वाली हूँ कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। होने के 3-4 कारण हो सकते हैं। पहला, अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो आपकी स्किन में रिंकल्स जल्दी आ जाएंगी। दूसरा है, अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन है या मल्टीविटामिन की कमी है तो आपकी फेस पे वो दिखने लग जाएंगी, इलास्टिसिटी आपकी स्किन की रहेगी ही नहीं। और कैल्शियम, अगर आपकी बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी है तो आपकी स्किन में वो असर दिखने लगेगी, आपकी स्किन सिकुड़ी हो जाएगी, आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगी, या आपको थायराइड है या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस आपके अंदर से है इशू आपको, तो आपको इन सब की वजह से आपको आपकी स्किन पे भी असर पड़ती है। तो इसी इन सब की वजह से ही आपके स्किन में रिंकल्स आ जाते हैं। मैंने ये खुद अपनी लाइफ में खुद एक्सपीरियंस किया है। मेरी भी स्किन क्या हो रही थी ना कि दिन पर दिन डल होती जा रही थी, सारे फेस से मेरे ना व्हाइट पैचेस आ गए थे पूरे फेस में, और बहुत ज्यादा ड्राई हो गई थी स्किन, व्हाइट ऐसे निकलती थी कहीं कहीं से। तो मैंने बहुत कुछ लगा करके ट्राई कर लिया, मैंने इवन ऑयल तक लगाया, बोरो प्लस, जितना कुछ भी आपके घर में अवेलेबल होता मैंने सब सारा कुछ कर लिया था, सारे DIYs मैंने कर लिए थे। वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर जाकर के मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो डॉक्टर ने मुझे बताया, बोला कि आप विटामिन डी की टेस्ट करा लो करके, मेरे हेयर फॉल्स भी हो रहे थे। फिर जाकर के मैंने विटामिन डी का टेस्ट कराया जब, तो मुझे पता चला कि हाँ मुझे विटामिन डी की कमी है। तो फिर जाकर के मुझे जब वो पूरा प्रॉपर मेडिसिन मुझे मिली, तब जाकर के मेरी स्किन थोड़ी सी अंदर से ग्लो आने लग गई जब मुझे मेडिसिन मिले। तो मैंने होम्योपैथिक की ही मेडिसिन खाई थी जिसमें सारे मल्टीविटामिन होते हैं, आयरन होता है एंड विटामिन डी होता है, तो वो मैंने खाया था। उसके बाद मेरी स्किन 50% 2 मंथ खाने के बाद 50-60% मेरी स्किन बेटर फील होने लगी। तो उसके बाद मैंने अभी कंटिन्यू रखा हुआ है दवा खाना, मेडिसिन तो ले ही रही हूँ अभी, मैं कंटिन्यू मैंने रखा हुआ है मेडिसिन, अभी 2.5 मंथ हो चुके हैं तो मैं मेडिसिन खा ही रही हूँ। उसके साथ मैं आपको बताती हूँ कि मैंने और क्या क्या किया अपनी स्किन को ठीक करने के लिए। तो मैं उसके साथ मैंने सिटाफिल मॉइस्चराइजिंग लोशन जो आता है मैंने वो लगाया, उसके बाद उससे मेरी स्किन बहुत हद तक within 3 days मेरी स्किन एकदम सॉफ्ट हो चुकी थी, और जो व्हाइट सारे पैचेस हो चुके थे वो एकदम इवन हो चुके थे। और मॉइस्चर बहुत अच्छा देता है वो क्रीम जो है, सिटाफिल लोशन है, उससे आपकी स्किन बहुत देर तक हाइड्रेटेड रहती है। आपको दोबारा जैसे एक दिन में 2 या 3 बार, कभी कभी हम लोग ड्राई स्किन होती है तो मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं, तो आप सिटाफिल को आपको एक बार लगाने के बाद आपको दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ये बहुत अच्छी क्रीम है। फिर मैंने अपनी डाइट में थोड़ी सी ज्यादा कैल्शियम जिससे मिले वो वाले प्रोडक्ट मैं खाती थी, और प्रोटीन जिससे मिले स्प्राउट्स हो गया और ग्रीन वेजीज जिससे वो सब मिले, जिससे मेरी अंदर से मेरी बॉडी ठीक रहे, मैंने वो सब सारा कुछ अपनी डाइट में ऐड किया। उसके बाद अब जाकर के मेरी स्किन 75% ठीक है, अभी तो मैं पूरी तरह से नहीं बोलूंगी लेकिन हाँ 75% ठीक है। आगे भी मैं यही सब कंटिन्यू करूंगी, मेडिसिन तो ज्यादा दिन की है नहीं, 3 मंथ की ही है जो मिली है मुझे, तो अभी मैं हेल्दी डाइट पे ही ध्यान दूंगी, और सिटाफिल जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है मैं वही लगाऊंगी, मॉइस्चराइजिंग लोशन है जो मैं वही अप्लाई करूंगी। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और थैंक यू आज के लिए इतना ही। और जाने से पहले एक बार, प्लीज सेव वाटर, सेव एनवायरमेंट, सेव अर्थ। थैंक यू।